बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद हैदराबाद में एक शर्मनाक वाकया पेश आया, जहां देवर ने भाभी पर हमला कर दिया। बंजारा हिल्स के इलाके पैरामाउंट कॉलोनी में एक लड़की पर उसी के देवर और उसके दोस्तों ने हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पैरामाउंट कॉलोनी में रहने वाली नईमा शेख और वहीं के रहने वाले जुनेद अहमद खान के बीच 3 साल से रिलेशनशिप चल रहा था। 3 हफ्ते पहले इन दोनों ने जुनेद अहमद खान के घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। 22 अक्टूबर की रात तकरीबन 10:30 बजे नईमा शेख के देवर उमर अहमद खान, अब्दुल्ला हुसैन और उनके दोस्तों ने आकर उन पर हमला कर दिया। नईमा शेख ने कहा है कि अब्दुल्ला हुसैन ने इनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी लात मारी और उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। नईमा शेख ने कहा है कि इन लोगों को गिरफ्तार कर इन पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि फिर कभी ये लोग किसी के साथ ऐसा ना करें। देखिए इस खातून का क्या कहना है। अब्दुल्ला हुसैन और इनके छोटे भाई अनस हुसैन भी इसमें, ताहर शाह भी। मेरे को वो पांचवे का नाम नहीं मालूम क्योंकि वो ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईमा है, मैं पैरामाउंट कॉलोनी से हूँ। मेरी शादी 3 हफ्ते पहले हुई। मेरे देवर उमेर अहमद खान और उनके दोस्त ताहर शाह मेरा 3 महीने से पीछा कर रहे, क्योंकि वो लोग मुझ में इंटरेस्टेड थे और मुझे कई बार रेप और एसिड फेंकने की और मर्डर की धमकियां दिए, लेकिन मैं फैमिली मैटर समझकर मैं छोड़ दी थी। लेकिन शादी जैसा वो लोग को पता चला हो गई, तो वो लोग मेरे माँ बाप के घर पे, जब मैं मौजूद थी वहाँ पर, आकर मेरे साथ बदतमीज़ी करे, हैरेसमेंट करे, असॉल्ट करे, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर मारे। अब्दुल्ला हुसैन और अनस हुसैन मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर मार के मेरे वालदा को कमरे से बाहर निकाल के उनको मारे, और मेरे वालिद साहब को मारे, उमेर अहमद खान मेरे वालिद साहब को मारे, और उसमें ताहर शाह और एक आदमी जिसका नाम मैं नहीं जानती लेकिन चेहरे से मैं वाकिफ़ हूँ, वो लोग पाँचों मिलकर मेरे बूढ़े माँ बाप जो 65+ है उनके ऊपर जुल्म और मुझ पर जुल्म करे, और मेरे अकेले शोहर उनका सबका मुकाबला करे। वो लोग के पांचों के साथ और कई सारे लोग थे जिसका मैं किसी से वाकिफ नहीं हूँ, वो लोग बहुत ज़्यादा जुल्म करे। मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले, वो लोग पांचों के पांचों को सज़ा मिले, सिर्फ मेरे लिए नहीं, क्योंकि बसेस, ट्रेन्स, हाईवे, स्कूल बोर्ड्स पे रेप नहीं होना चाहिए, मैं जानती हूँ, लेकिन हम जैसी औरतें अपने माँ बाप के घर में भी सेफ नहीं है। तो आई वॉन्ट जस्टिस एंड आई होप मुझे पुलिस वाले जस्टिस दिलाएंगे। 22 के दिन ये हुआ था, आज 26 है, वो लोग अब तक अरेस्ट नहीं है। मेरे सामने, आँखों के सामने, खुला मेरे मोहल्ले में वो लोग खुला आम घूम रहे, क्योंकि अब्दुल्ला हुसैन माजिद हुसैन के अंडर में जो काम करते शहबाज गुल्लू, उनके भाई है बोलकर मुझे थ्रेटिन करे कि मैं उसका भाई हूँ शहबाज गुल्लू का, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब्दुल्ला हुसैन और अनस हुसैन जैसे लोगों को, और जो भी पैसे वाले जैसे लोग हैं, जो हम जैसे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे, मुझे इंसाफ चाहिए इन लोगों से। थैंक यू। ये हुआ क्या झगड़ा आपके साथ, थोड़ा क्योंकि मेरी शादी हुई, इट्स ए लव मैरिज, मेरी शादी हुई और वो लोग इंटरेस्टेड थे, उमेर अहमद खान और अब ताहर शाह 3 महीने से मुझे फॉलो कर रहे, 3 महीने से मुझे थ्रेटन कर रहे, 3 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर रहे, लेकिन मैं फैमिली मैटर समझकर मैं कुछ एक्शन नहीं ली, कुछ भी नहीं करी। जब मुझ पर बीती, मुझे पता चला कि घर में घुस के जब ये लोग रेप कर सकते, हम अब लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। तो कंप्लेंट कहाँ पर करी? मैं बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी 22 के दिन, ये रात में 10:30 अराउंड हुआ ये हादसा। मुझे अब तक कोई जस्टिस नहीं मिला, मैं जस्टिस के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जस्टिस दिलाइए।
लोग किससे हथियार इस्तेमाल करे? वो लोग के हाथ में बेस बैट हॉकी स्टिक समथिंग ऐसा कुछ था। वो सीसीटीवी फुटेज में है, सब कुछ वहाँ पर क्लियर है। सीसीटीवी फुटेज में क्राइम ब्रांच वाले आए, सारी इन्वेस्टिगेशंस करे और ऑन द स्पॉट के जो मेरे पास मेरे घर पे पूरा सामान तोड़े, मेरे जो माँ बाप को ढक ले एंड ऑल दैट, पूरे सीढ़ियों से लेकर मेरे पूरे घर के अंदर तक के सारे फोटोज़ बंजार हिल्स कॉन्स्टेबल जो तीन आए थे जिसका नाम मैं नहीं जानती, वो लोग के पास सारे प्रूफ्स है। आपके शौहर इस बात में क्या बोल रहे हैं? मेरे शौहर इतना ही बोल रहे कि हमें एक जस्टिस चाहिए।